कुछ दिनों से हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो सोनू त्यागी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सोनू त्यागी जी न मोटिवेशनल स्पीकर है, न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, न किसी राजकीय पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी सोनू त्यागी जी हमारे जीवन के हर पहलू के साथ जुड़े हुए हैं, मनुष्य के साथ जुड़े हैं, मनुष्यत्व के साथ जुड़े हुए हैं। और यहां जो भी कोई मनुष्य उपस्थित है, यदि है, तो उनके लिए सोनू त्यागी जी का महत्व आज है। और खुले दिमाग से आप सोनू त्यागी जी को सुनना, मानना और चबा चबा कर पचाना भी पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे वक्ता आते हैं, प्रवचन करते हैं और कुछ समय तक हमें ऐसा इंजन दे जाते हैं, इंजन पावर दे जाते हैं, तो इसका ईंधन से हम कुछ समय तक प्रफुल्लित हो जाते हैं, बाद में हमारी कक्षा वैसे की वैसे रह जाती है, हम वापस नीचे आ जाते हैं। जैसे बलून से हवा निकल जाती है, ऐसे ही हमारी हवा भी निकल जाती है, हम ऐसे के वैसे रह जाते हैं। सोनू त्यागी जी का ये मकसद नहीं है और ये कार्यक्रम भी नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही कहा है ये मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल नहीं है, मगर हमारे हर जीवन के पहलू के साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी कुछ उन्होंने प्राप्त किया है बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है, उनसे आज मेरी पहली मुलाकात है, मगर मैं आज दो व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसमें एक हमारे बीच में उपस्थित है हमारे गुजरात के आईपीएस अधिकारी रमेश भाई सवानी साहब का बड़े ताली का स्वागत करते हैं। हमने साहित्य शिविर में रमेश भाई को हमने आमंत्रित किया था, इतने बड़े आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद भी विनम्रता से हमारा निमंत्रण का स्वीकार कर लिया और वहां उपस्थित जन समूह को देखकर सवानी साहब ने एक सजेशन कर दिया था कि आपका समाज इतना अच्छा है, बढ़िया है, आप एक शिविर कर लीजिए, कैप्सूल शिविर कर लीजिए और सोनू त्यागी जी को बुला लीजिए। और उस समय सवानी साहब के साथ उनके एक मित्र भी आए थे गोविंद भाई मार, उन्होंने त्यागी जी आपके बारे में बहुत कुछ बताया था और पहली बार आपका नाम मैंने सुना है। फिर आजकल तो गूगल महाराज तो है, बाकी के महाराज की मुझे पता नहीं है, मगर गूगल महाराज तो है, मैंने कुछ वीडियो देख लिए तो लगा कि वास्तव में हमारे लिए ये जरूरी है। तो इन दोनों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अल्प परिचय देना चाहूंगा क्योंकि आप मुझे नहीं सोनू त्यागी जी को सुनने आए हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग पास किया, टाटा कंसल्टेंसी में जॉब की,
और अच्छी खासी नौकरी थी, नौकरी मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं सेटल हो गए। तो शरीर सेटल होता है, दिमाग सेटल कभी नहीं होता है, और जिनका दिमाग सेटल नहीं होता है ना वो कुछ ढूंढ सकता है। और त्यागी जी की खोज निकल पड़ी, उन्होंने आज मुझे साथ अल्प समय तक जो संवाद किया तो पहला उन्होंने यही बताया कि ज्ञान बेचा नहीं जा सकता है, ज्ञान का व्यापार नहीं होता है, ज्ञान का विकास हो सकता है और ज्ञान बांटा जा सकता है। और वो कौन सा ज्ञान कहां से मिलेगा, बहुत सारे प्रश्न अनुत्तर भी रह जाते हैं। हर समाज में उपस्थित कुछ साधु संन्यासी महंत कहने वाले लोग ज्ञान बांटते हैं, मिल भी जाता है। कोई कहता है मैंने पा लिया, कोई कहता है मैंने स्वर्ग पा लिया इसलिए हम काम करते हैं, और कहां है उन तो किसी को मालूम भी नहीं है। फिर भी लोग पूरी जिंदगी भटकते फिरते हैं, क्या हासिल होता है वो मुझे नहीं मालूम और किसको मालूम पाए वो भी नहीं मालूम। मगर आज सोम त्यागी जी हमें कुछ सिद्धांत यहां पर हम हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ये तीन बोर्ड जो है लगाए हुए हैं ये आपके लिए है, कुछ शब्द लिखे जाएंगे मगर ये शब्द आपको भी लिखना पड़ेगा, यदि आपने नहीं लिखा तो कंटेस्ट नहीं रहेगा, आप भूल जाओ। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं, क्यों कि मैं समय हो रहा है, मगर इस शिविर का आयोजन क्यों करना चाहिए इनका सबसे प्रथम विचार मुझे रमेश भाई सवानी सामने दिए थे, आज हमारे अतिथि विशेष हैं। मैं प्रोटोकॉल का थोड़ा भंग कर रहा हूं मगर सवानी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्प शब्दों में इस शिविर का आयोजन क्यों करना चाहिए। आप बैठे हैं यहां पर तो आपकी उपस्थिति का महत्व क्या है वो समझाएं, इनके बाद हम सोम त्यागी जी को एक माइक स्टेज अर्पण करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे रमेश भाई सवानी। भाइयों बहनों युवाओं, सोम त्यागी जी ने अपने सांभवाना है एटले वधारे समय नहीं लू, बे मिनिट लेश। अपने वच्चे आज मार्गीय स्मित स्वामी पण बैठा छे, अने 1984 थी 94 थी एमनी साथे मारा संबंध छे, प्रोफेशनल छे। सोम त्यागी जी विषय हूँ नहीं कहूँ क्योंकि ये तो ये बोलशे त्यारे ज एनो परिचय मळी जशे आपणने, परंतु આ શિબિર કરવાનું કારણ શું છે, આપણા જીવનમાં એનો ઉપયોગ શું, આપણે એક આખો દિવસ અહીંયા આપીએ તો કઈ હેઠે લાગે કે કેમ, તો બિલકુલ લાગે। આપણા જીવનમાં એવા કેટલાય પ્રસંગો છે, ઘણા પ્રસંગો છે, ખાસ કરીને હું કહું કે યુવાનો આજે બેરોજગાર છે, યુપીએસસી અને જીપીએસસી ની તૈયારી કરે છે પણ એને દિશા નહી ખબર હોતી નથી, અવળી દિશાની તૈયારી કરે એટલે ફેલ થાય, નિરાશ થઈ જાય, સુસાઇડ કરે। એ રીતે યુવાનો મેરેજ કરે, પાર્ટનર સાથે બરોબર વૈચારિક મતભેદ સંયોજન ન થાય એના કારણે મતભેદ થાય અને છૂટાછેડા થાય। કેટલાક કિસ્સામાં આપણે વડીલપણું રાખતા હોય ઘરમાં એટલે દીકરીઓ ઘેરેથી જતી રહે, આ બધા સળગતા સવાલો છે। હું મહેસાણા એસપી હતો તો લગભગ દર અઠવાડિયે એવી એક ફરિયાદ આવે મારી દીકરી ભાગી ગઈ છે ઘેરેથી, અને આજના સમયનો આ સળગતો સવાલ છે કેમ આપણી દીકરીઓ ભાગી જાય છે, કેમ આપણા દીકરાઓ પરીક્ષાઓમાં પાસ થતા નથી,
કેમ આપણા નીચેનો બિઝનેસમાં સેટ થતા નથી એનું કારણ એ છે કે આપણામાં વૈચારિક સ્પષ્ટતા ક્લેરિટી નથી અને જો આ સ્પષ્ટતા અને ક્લેરિટી હોય તો આપણા ઘરમાં આવા બનાવો કોઈ બને નહીં એટલા માટે જરૂરી છે કે આપણે વૈચારિક રીતે જે આપણામાં પ્રદૂષણ છે એ દૂર થાય અને આપણે વૈચારિક રીતે નિર્મળ થઈ જઈએ એ ખૂબ જરૂરી છે તો જ આપણું જીવન સમૃદ્ધ બને અને એ જીવનને નિર્મળ કરવા માટે અહીં કોઈ ધાર્મિક ઉપદેશ નથી આપવાના સમજવાની વાત છે અને એ સમજૂતી આજે સરળીમાં સોમભાઈ આપવાના છે એટલે આપણે એને જ માનીએ આભાર જય હિન્દ આદરણીય સ્વામીજી માર્ગી સ્વામીજી રમેશભાઈ સવાણીજી મેરી મિત્ર અજયભાઈ અરુણભાઈ એક સુખદ સંયોગ બના લગભગ 11-12 મે કિસી એક સજ્જન કે માધ્યમ સે ગુજરાત આને કા મોકા મિલા ઓર અમદાવાદ કે શિબિર મેં રમેશ ભાઈ સવાણી જી પૂરે શિબિર કે દૌરાન થે ઓર આપકે ઘર મેં ભી મેં ઉસ સમય રહા 11-12 કે દૌર મેં લગભગ હમને સુરત ઓર અમદાવાદ મિલા કે 8 દિન કે કરીબ 18 શિબિર કે જિસમેં કે બહુ સારે સભી વર્ગો કે ભાઈ બહેન ઓર સભી એક અચ્છી એક અચ્છા દૌર રહા ઓર बहुत सारे लोग उसमें जुड़े थे फिर एक स्थिति बनी कि कुछ बीच में गैप रहा और पिछले 2-3 साल से फिर से क्रम शुरू हुआ है और ये एक सुखद संयोग है कि आज की सभा के रूप में मुझको नहीं अंदाजा था कि स्वामी जी ने इतना विशाल समूह इतने सारे भाई बहनों से मिलाने का संयोग बनाया है तो मैं आप सभी भाई बहन पूरे गुजरात से आए हुए सभी भाई बहनों को बहुत दिल से और मुझको स्वामी जी ने बताया कि मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग आए गुजरात के बाहर कितने लोग हैं पर हाथ खड़े करें गुजरात के बाहर चलिए जो लोग गुजरात के बाहर से भी आए हैं और गुजरात से भी आए हैं सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार जिस तरह की बात मैं आपके सामने करूंगा उसकी मैं कुछ पृष्ठभूमि आपके सामने रख देता हूं देखिए ये बात तो ठीक है कि हम सभी परिवार वाले हैं और जब परिवार के रूप में हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि हमारा एक कोई बिजनेस है जॉब है कमाने खाने का कोई हमारा जरिया होता है और ये भी एक स्वाभाविक बात है कि हम एक देश में हैं देश का एक संविधान है वो आपने सामने लगाया है आप ऐसे लगाते हैं सभी कार्यक्रम ये सामने लगाने का पर्पस क्या नहीं अच्छा अभी कुछ समय पहले हमने संविधान पर प्रवचन किया था अच्छा उसका लगा तो संविधान चालू है हाँ तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम सभी परिवारों से हैं तो परिवारों से हैं तो हमारा कोई बिजनेस जॉब रोजगार है हम किसी देश में हैं तो हम किसी संविधान के तले हैं तो उसका एक राजनीतिक व्यवस्था है और उसके तले हम सभी जीने की कोशिश करते हैं दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक लगती है कि किसी भी देश में एक तरह का प्रभाव एक तरह की मानसिकता राजनीतिक प्रभाव से हम तक पहुंचती है फिर राजनीतिक प्रभाव जैसा होता है उसके तले बाजार और तमाम व्यवस्थाएं सजती हैं तमाम सिस्टम बनते हैं और उसके साथ ही एजुकेशन सिस्टम भी बनता है तो अभी तक यदि देखें तो आदमी के जिंदगी का एक पार्ट वो है जिसमें वो अपनी जिंदगी की सुकून पाने के लिए अपनी जिंदगी की सार्थकता पाने के लिए अपने जीने के पर्पस को जानने के लिए अपना जीवन सफल करने के लिए एक लंबी धारा इस देश में हजारों साल से चली आई है वो अनेक अनेक संत परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ी है ना संतों के अनेक नाम हो सकते हैं उनके काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है और मूलतः ये तो सभी ने कहा है कि आदमी के रूप में मानव के रूप में हम जो कुछ भी हैं शरीर के अलावा भी कोई सत्ता है
और ये पूरी सृष्टि है और ये बढ़िया से चल रही है, तो इसके पीछे भी कोई सत्ता है, कोई तरीका है, किसी ने उसको अलग अलग नाम जरूर दिए होंगे, लेकिन ये बात तो बहुत साफ है कि खाने पीने के अलावा भी जिंदगी का कोई पर्पस है, या केवल खाना पीना जिंदगी नहीं है। अब खाना पीना जिंदगी नहीं है और दो बच्चों का हो जाना और उनके खाने पीने का इंतजाम कर देना भी जिंदगी नहीं है, तो जिंदगी के किसी मकसद को समझने के लिए, जिंदगी के उस खालीपन को भरने के लिए है ना, उसकी तलाश में हम अनेक संत परंपरा, अनेक लोग, अनेक तरह की संत परंपरा, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के तहत हम सब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये बात भी स्वीकार होती है कि हम किसी एक परिवार में पैदा होते हैं और किसी एक तरह की स्कूल और शिक्षा में जाते हैं, और किसी आयु में जब लगता है कि नहीं जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, तो हम फिर किसी साधु महात्मा की तलाश में निकलते हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मूलतः अभी तक आदमी की मानसिकता को बेहतर करने का काम वो धर्म और अध्यात्म के हिस्से में है, जो कि लगभग एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के रूप में है, एडल्ट एजुकेशन के रूप में है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चे में सीखने समझने की चाहना है, जब एक बच्चे की मानसिकता गढ़ी जा रही है, यदि एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो 3 साल की आयु में आते आते वो खाने की चीज और नोट सामने रखा जाए तो खाने की चीज छोड़ के नोट पकड़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि अब उसको करेंसी समझ में आने लगी है, नोट समझ में आने लगा है, नोट की ताकत समझ में आने लगी है। किसी एक आयु में हो सकता है वो 10 साल कम ज्यादा हो सकती है, किसी एक आयु में हमने परिवारों में देखा कि छोटे बच्चे खेलते हैं तो माँ बाप बताते हैं कि जब दूसरे परिवारों के बच्चे उनके घर में आते हैं तो बताते हैं कि देखो बेटा दीदी है, तो बच्चा सबको दीदी बोलने लगता है। किसी एक उम्र में जाके उसको दीदी बोलने में परेशानी होने लगती है और 12, 13, 10, 12 की आयु के आसपास आके वो दीदी शब्द को वापस खींच लेता है, क्योंकि बोलते समय जो भाव है, बोलते समय जो शब्द है और जो भाव है, दोनों का मिलान नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि 10-12 साल का बच्चा स्त्री पुरुष में अंतर को भी पहचानने लगता है। जब एक 3-4 साल का बच्चा करेंसी की ताकत को, नोट की ताकत को पहचानने लगता है, 12 साल का बच्चा कम ज्यादा स्त्री पुरुष संबंध को पहचानने लगता है, तो उसकी मानसिकता तो गढ़ने लगी है। जरूरत है इस बात की कि उस समय में उसकी एक सही मानसिकता, जब उसको सही मानसिकता देने का समय है, सही मानसिकता गढ़ने का समय है, उस समय उसको सही मानसिकता मिले, लेकिन वो सही मानसिकता मिलने की बजाय ना उसकी चर्चा शिक्षा में है, ना उसकी कोई गहरी चर्चा परिवार में है ना। और जब हमको लगता है कि 30-40-50 साल की उम्र में, या 20-30-40-50 साल की उम्र में फिर हमको लगता है कि किसी संत की शरण में जाए, किसी साधु की शरण में जाए, तब तक वो जिंदगी भर का जो संस्कार है, जिंदगी भर की जो आदतों का दबाव है, ज्यादा मेहनत तो इसी काम में लगती है जो इतने साल का आदतों का दबाव है, उससे छूटने में सारी ऊर्जा लग जाती है। तो हमारी संत परंपरा को बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने जिंदगी के मायने को खोजा, जिंदगी के अर्थ को खोजा, कम से कम आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब इस बात की आवश्यकता भी लगती है कि यदि एक बच्चा 2.5 साल का किसी एक स्कूल में चला जाता है जहां उसको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, तो क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि 2.5 साल का बच्चा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गर्भ से लगभग 4.5 महीने से जब बच्चा गर्भ में होता है तब माँ के विचारों को बच्चा सुन पाता है, माँ के सोचने का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, तो सही मायने में देखें तो एजुकेशन तो 4.5 महीने से शुरू हो गई। ऐसे तमाम प्रयोग हैं इतिहास में जो लोगों ने किए हैं, गर्भ के दौरान 1000 माओं को टीवी लगातार दिखाया गया, 1000 माओं को टीवी नहीं दिखाया गया, तो जो बच्चे टीवी गर्भ काल में, जिनकी माँ ने टीवी बहुत देखा, उनको बाहर आने के बाद, उन बच्चों को बाहर आने के बाद टीवी दिखाने से उसको ज्यादा सुकून लगता था, जिन्होंने गर्भ काल में टीवी नहीं देखा उनको टीवी दिखाने से बच्चे रोते थे। और मुझको इस तरह की एग्जाम्पल देने की आवश्यकता भी नहीं है, हमारी परंपरा में हमने ये स्वीकार किया ही है, तमाम इतिहास के एग्जाम्पल भी हमारे पास हैं कि सही अर्थों में देखा जाए तो शिक्षा का काम तो गर्भ संस्कार से, गर्भ से शुरू हो गया, और गर्भ से शुरू होकर जब बच्चा बाहर आया, जब बच्चा अपने बाहर वातावरण में देखता है, वो अपने माँ बाप को जीते हुए देखता है, तो माँ बाप को जीते हुए देखता है तो जैसा वो देखता है वैसा मांग लेता है,
तो दोस्तों अभी तक की बात में एक बात तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि मानसिकता को गढ़ने का काम बचपन से होगा या मानसिकता को गढ़ने का काम जिंदगी में ठोकर खा के किसी असफलता को पाके या किसी समस्या से घिर के या अपने जीवन की अतृप्ति की तलाश के बाद होगा। क्या लगता है, मानसिकता को गढ़ने का काम गर्भ से होने की जरूरत है या किसी 30, 35, 40, 50 की उम्र में हमको ये समझ में आएगा यार ये गाड़ी में कोई दम नहीं है, यार ये मकान भी अच्छा बना लिया है ना, किसी उम्र में हम सोचते रहे कि कॉलेज अच्छा मिल जाए तो बात बन जाए, किसी उम्र में सोचते रहे कि जिस लड़की को मैं चाहता हूँ उससे शादी हो जाए तो बात बन जाए, किसी उम्र में चाहते थे कि लड़का हो जाए लड़की हो जाए, किसी उम्र में चाहते थे कि एक अच्छा मकान एक अच्छी जॉब हो जाए, है ना, सब हो गया। कभी सोचते थे कि बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाए, वो भी हो गए, तो सब हो गया जितना चाहते थे, हमारा ही मन सेटल नहीं हुआ, हमारे ही भीतर का खालीपन नहीं भरा। तो आदमी के ये जो मानसिक खालीपन है, ये जो मानसिक विकास है, आदमी की जो जीवन की जो सार्थकता है, इसको भरने का काम हम 30, 40, 35 के बाद 50 के बाद करेंगे या ये बचपन से ही होने की जरूरत है। कितने लोगों को सभा में लगता है कि ये बचपन से होने की जरूरत है? आपको खूब खूब धन्यवाद। मेरे को ये भी शंका है कि मैं हिंदी में बोलूंगा और आप लोग गुजराती समझते हैं, वैसे तो फिल्मों ने काफी अच्छा काम कर दिया है। धन्यवाद हिंदी फिल्मों को, कम से कम लैंग्वेज बैरियर कुछ कम हुए हैं। तो दोस्तों एक बात तो ये कहने की है कि ये काम बचपन से शुरू होने की आवश्यकता है। जिस बात की मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं ये मूलतः एक नया अनुसंधान हुआ। जिस तरह से आज हमारे बच्चे साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो जब हमारे बच्चे का हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, बच्चा हमारा साइंस पढ़ता है तो प्रिंसिपल से ऐसा पूछते हैं कि इसको इटालियन साइंस पढ़ाओगे कि जर्मन साइंस पढ़ाओगे, हिंदू साइंस पढ़ाओगे कि मुस्लिम साइंस पढ़ाओगे, ऐसा पूछते हैं? ऐसा नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? आर्मी के बारे में पूछते हैं क्योंकि साइंस साइंस होता है। साइंस साइंस क्यों होता है? साइंस साइंस क्यों होता है? तो साइंस साइंस इसलिए होता है कि लोहे का एटम ही होता है, वो हिंदू एटम मुस्लिम एटम नहीं होता है, है ना? ये भी अच्छी बात है कि चाहे हम तमाम धरती के लोग कहीं भी हो, सबकी किडनी एक ही तरह से काम करती है, दिल एक ही तरह से काम करता है, सभी धर्मों का किडनी का डॉक्टर एक ही होता है, सभी धर्मों के लोगों के दिल का डॉक्टर एक ही होता है, खून का भी जो भी हमने कैटेगरी पहचानी है ए बी सी डी वो सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाती है। तो यदि इस रूप में हम देखते हैं तो हमारी जिंदगी का एक पार्ट तो हमको ये दिखाई देता ही है। तो हमारी जिंदगी का एक पार्ट तो हमको ये दिखाई देता ही है कि जिंदगी का एक पार्ट है जिसमें कि किसी तरह का कोई भेद नहीं है। जैसे यदि हम क्लासरूम की बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, तो एजुकेशन एकमात्र प्लेटफॉर्म है इस पूरी धरती पे जहां सभी तरह के जाति धर्म के लोग, सभी देशों के लोग, स्त्री पुरुष, है ना, बिना किसी गोरे काले के भेद के, बिना किसी धर्म और जाति के भेद के, बिना किसी आर्थिक भेद के, सभी एक क्लासरूम में बैठते हैं और एक क्लासरूम में बैठ के वो कम से कम शरीर को समझने का काम करते हैं, इंजीनियरिंग को समझने का काम करते हैं, मैथमेटिक्स को समझने का काम करते हैं, वहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। साइंस पूरी दुनिया के लिए साइंस है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। दोस्तों जब भी हम आदमी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो ये तो हमको बहुत अच्छे से बात स्वीकार होती है कि यदि शरीर पूरी धरती पर देखा जाए तो शरीर शरीर ही है। पूरी धरती पे देखा जाए तो जो भी हम साइंस के रूप में पढ़ा रहे हैं वो हम सबको समान रूप से स्वीकार हो जा रहा है, लेकिन जब भी आदमी के बारे में बात करते हैं
तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में है, और हिंदू में भी आप देखोगे तो अनेक धाराओं के रूप में है, सभी धर्मों में अनेक धाराओं के रूप में है। तो कभी कभी ऐसा सोचना पड़ता है कि अच्छा मैं बताओ सभी धर्म में समानता क्या है, सभी धर्मों में समानता क्या है, क्या समान। जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आगे वाले तो बोल ही सकते हैं, पीछे वालों तक तो उनकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, मेरी तब तक जा रही है। एक ही सत्य की ओर ले जाते, एक ही सत्य की ओर ले जाते, एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, तो ये एक ही सत्य के साथ जीते हुए दिखाई देते। तो ऐसा हम चाहते तो हैं कि वो एक सत्य की ओर ले जाए, लेकिन हम चले गए और पहुंच गए, उसका प्रभाव हमारे परिवारों में दिखाई देना शुरू हो गया, ऐसा कहना तो मुश्किल है। मैं कभी कभी इसको उल्टा करके बोल देता हूँ, सभी धर्मों में एक ही समानता है, पति पत्नी का झगड़ा समान रूप से पाया जाता है। तो अभी देखो कितना अपनापन लगता है, है ना, आपके यहाँ भी वैसे ही होता है, मेरी सास भी ऐसी है, आपकी सास भी ऐसी है, है ना। और मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में जब सब पार्कों में जाते हैं तो बहुएं भी आपस में मिलती हैं, उनकी सासों में समानता है, और सासें भी आपस में मिलती हैं, उनकी बहुओं में समानता है, बोले मेरी बहू भी ऐसी करती है, तुम्हारी भी ऐसी करती है, और सब अपना अपना दुख शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना है कि आदमी को लेके जो भी समझने का हमारा प्रयास हुआ है उसमें हमको महापुरुषों से कुछ अच्छी मान्यताएं मिली हैं, कुछ अच्छा जीने की प्रेरणा मिली है। आदमी केवल शरीर नहीं है, इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, कोई ईश्वर भगवान नाम की चीज है, कोई और कोई बड़ी चीज है, त्याग तपस्या कोई चीज है, उन चीजों के प्रति हमारे मन में सम्मान है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझको लगता है कि धर्म वो शब्द है जिससे हमने धरती पे शांति का पैगाम देने की कोशिश की है, और धर्म वो शब्द है जो आज भी मानव मानव के बीच में सबसे बड़ी दीवार के रूप में। धर्म वो चीज है जिसके नाम पे इतिहास में सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, और आज भी धर्म के नाम पे सबसे अधिक युद्ध हो रहे हैं, वो किसी भी रूप में हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहे। तो इससे बात पता चली कि आदमी के बारे यदि क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यदि हम क्लासरूम में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक प्राकृतिक सच्चाई है। साइंस साइंस इसलिए है कि वो एक प्राकृतिक सच्चाई है। ये मानव प्राकृतिक है कि मानव के द्वारा निर्मित है? मानव एक नेचुरल एंटिटी है, मानव एक प्राकृतिक इकाई है कि मानव के द्वारा निर्मित है? मानव एक प्राकृतिक इकाई है। यदि एटम और सेल के बारे में हम पढ़ सकते हैं, शेर और बकरी के बारे क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, लोहा और एल्युमिनियम के बारे क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, मानव शरीर के रूप में भी पूरे धरती के सभी मानव का शरीर एक ही तरह से काम करता है, उसका डॉक्टर एक ही होता है, उसकी मेडिकल साइंस एक ही होती है, फिर ये आदमी के व्यवहार के बारे में हमारी इतनी दूरियां क्यों हैं, इतनी अधिक मान्यताएं क्यों हैं? 20 साल पहले जब हमने ये शिविर करना, इस बात को समझना शुरू किया था, तो हमारे को किस्सा याद आ रहा है कि हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, तो मैं उनको बताने गया कि कोई बढ़िया चीज मिली है, चलो इसका शिविर करके आएंगे। बोले यार इतने सारे शिविर देख लिए, अब मन मन ज्यादा नहीं है, तुम बताओ इससे मेरे को क्या फायदा होगा। मैंने कहा कि अपनी जिंदगी की, अपने विचारों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, या जिंदगी में जो भी हम आगे तलाश करना चाहते हैं, उसका एक विधिवत रास्ता मिलेगा, एक ठोस रास्ता मिलेगा। बोले अच्छा चलो तुम मेरी छोटी सी समस्या सॉल्व कर दो। मेरी पत्नी का और मेरा झगड़ा रहता है, वो कहती है मेरे वाले देवता वो मेरी पत्नी किसी कौन सा कोई देवी को मानती है, और मैं किसी महापुरुष को मानता हूँ, तो मेरी पत्नी बोलती है कि मेरे महापुरुष तुम्हारी देवी से, तुम्हारे महापुरुष से मेरी देवी बड़ी है, इसलिए मेरा खाना ऊपर वाला रहेगा, तुम्हारे महापुरुष नीचे वाले खाने में रहेंगे, और इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा होता है। मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा रैशनल आदमी हूँ, तो तुम तो ऐसी ही पुरातन मान्यताओं को मानती हो, है ना, मेरे वाले ऊपर में रहना चाहिए, मेरे वाले बड़े हैं, तो मेरे महाराज बड़े हैं कि इसकी देवी बड़ी है, इसमें भी फैसला नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा झगड़ा सॉल्व करवा दो तो मैं मानूंगा। अभी मैं गुजरात में आता हूँ तो पटेल समाज काफी ज्यादा है, यहाँ पटेल लोग कितने? सारे पटेल, सारे पटेल। अब पटेल में दो रहते हैं, कड़वा पटेल और लेवा पटेल। यहाँ कौन से वाले हैं? कड़वा पटेल कितने? सारे कड़वा। अच्छा है? लेवा पटेल कितने हैं? लेवा पटेल भी कुछ हैं। अब कड़वा पटेल की देवी अलग है, लेवा पटेल की देवी अलग है।
अब दोनों की देवियां अलग अलग हैं या और भी कुछ बातें होंगी तो थोड़ा आपस में दूरियां हैं, और कोई कोई बड़े बड़े प्रोग्राम करके उसको मिलाने की कोशिश भी करते हैं। तो मैंने कहा कि दो तीन पीढ़ियां रुक जाओ, इनकी देवियां अलग अलग रहेंगी लेकिन आने वाले बच्चों की देवी एक ही रहेगी और वो श्रीदेवी है। तो ये बड़े लोग की तो देवियां अलग है और बच्चों की देवी एक ही होने वाली है, तो ये आपस में मिल जाएंगे, ये आपस में दूरियां नहीं बनाएंगे। तो इन सारी बातों को जब हम सोचते हैं तो एक बात मन में ख्याल जरूर आता है कि यदि हम एक इंजीनियरिंग की एजुकेशन देते हैं, हम एक 4 साल की एजुकेशन देके इंजीनियर तैयार कर सकते हैं, बढ़िया डॉक्टर तैयार कर सकते हैं, बढ़िया सीए तैयार कर सकते हैं और तमाम टेक्निकल एजुकेशन हम दे सकते हैं, तो ये आदमी बनाने का एजुकेशन, ये एजुकेशन का हिस्सा क्यों नहीं है? इसको हम बाहर बात क्यों करते हैं? ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्यों है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही अर्थों में यदि हम क्लासरूम में जिंदा रहने के लिए अपने जॉब और रोजगार की शिक्षा दे सकते हैं तो क्लासरूम में एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देने की जरूरत है कि नहीं है? दोस्तों, जो बात मैं आपके सामने कहने की कोशिश करूंगा वो बात ऐसी है कि बिल्कुल यदि पूरी प्रकृति में देखें तो सब कुछ प्रकृति में बना है और मानव भी प्रकृति में बना है। यदि प्रकृति में जितने भी चीजें बनी हुई हैं उसके ऊपर प्रकृति का कोई नियम काम करता है, जैसे हम इस छत के नीचे बैठे हैं, ये लोहे की छत है, लोहे से बनी छत है। अभी मैं आपसे पूछूं कि हमको लोहे पे ज्यादा भरोसा है कि आदमी पे ज्यादा भरोसा है? बोल नहीं पा रहे। लोहे पे ज्यादा भरोसा है कि आदमी पे ज्यादा भरोसा है? लोहे। तो आदमी कभी मूड बदल सकता है? सारी जिंदगी एक छत के नीचे रहेंगे, हमको एक दूसरे पे भरोसा नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी बात में असहमति है ही है। लोहे में ना अंदर में कोई कंफ्लिक्ट है, ना लोहे का शीट के साथ कोई कंफ्लिक्ट है, क्योंकि लोहा यदि नेचुरल है तो उसका बिहेवियर भी नेचुरल है, उसका आचरण भी प्राकृतिक है। इतना ही है कि लोहे का जो नेचर है वो लोहे को प्राकृतिक विधि से पता है, लेकिन मानव का जो नेचर है वो उसको जानना पड़ता है, क्योंकि मानव और बाकी तमाम इकाइयों में एक ही अंतर है कि मानव में समझने की ताकत है, समझना उसकी मौलिकता है। तो मानव में समझने की ताकत है, मानव भी समझ के अपने उस प्राकृतिक आचरण को पहचान सकता है, उस अपने नेचुरल आचरण को पहचान सकता है जिसका वो प्यासा है, जिसकी उससे हमने तमाम उन्हीं लोगों को महापुरुष, हमने महापुरुष हम किसको बोल रहे हैं? हम महापुरुष ऐसे किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं जो अपने में हमेशा खुश रहता है, उसके विचारों में पवित्रता है और उसके विचारों में दूसरों के लिए भी पवित्रता है, उसके विचारों में कोई मलिनता नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ना? वो अपना भी उद्धार कर पाया है और दूसरों का उद्धार करने के लिए सहयोगी, तो उसके आचरण की कोई निश्चितता है, एक ऐसा आचरण जो हमेशा मेरे लिए सुखदाई है और जो सभी के लिए सुखदाई है, मैंने किसी ऐसे आचरण को पा लिया है। ऐसे आचरण से पाए हुए आदमी जब भी कोई इतिहास में ऐसा भरोसा दिलाता है कि मेरे पास कोई ऐसा आचरण है, संसार में अपने धर्म और जातियों को छोड़कर, देश और जगह को छोड़कर उस आदमी को फॉलो करने की कोशिश की।